तो गाइस मैं हूँ ग्रेट गेमर और मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। और आज हमारा एक ही चैलेंज होने वाला है कि हमें डायमंड से फुल्ली डायमंड आर्मर बनाना होगा, जो कि बहुत ही हार्ड होने वाला है। लेकिन कोई ना यार, अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है उसके लिए आपको एक कोड लगने वाला है यार, पता है ना कौन सा कोड? सब्सक्राइब बटन, या सब्सक्राइब फटाफट से करो और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो मैं माइनक्राफ्ट में स्पॉन हो चुका हूँ और भाई जो अपने डब्बे वाली ग्राफिक्स बहुत ही प्यारी लग रही है और मुझे ट्री दिख चुका है और अपनी परंपरा के हिसाब से ट्री को कट करना बहुत ही जरूरी, तो फटाफट से कट कर लेते हैं। तो मैंने कुछ ट्रीज को कट किया और उससे मैंने टूल्स बना लिया और उस टूल्स को मैं अब स्टोन्स में अपग्रेड करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वो भाई बच गया यार, मरते मरते यार। तो मुझे भागते भागते बहुत ही देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे एक केव दिखी यार। स्टोन कलेक्ट करते और अपने टूल्स को अपग्रेड करते फटाफट। तो मैंने स्टोन को तो कलेक्ट कर लिया और मुझे कलेक्ट करने के बाद उसको अपडेट करना है। भाई ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही, भाई डर लग रही एकदम खतरनाक वाली। तो फटाफट से पहले मैं जो अपने टूल्स को उनको अपडेट कर लेता हूँ। तो मेरे जितने भी टूल्स थे उन सबको मैंने अपग्रेड कर चुका हूँ और फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल लेके चलते हैं। भाई मेरे को नीचे जाना, लेकिन जाने का ओ भाई मरते मरते बचाओ यार, अगर मैं इधर गिर जाता ना तो पक्का अभी गेम ओवर हो जाता यार, और मैं इतना नीचे जा भी नहीं सकता क्योंकि मैं फट्टू यार। तो चलो फटाफट चलते हैं और कोई रिस्क बिना लिए, तो फटाफट से अपने को भाई खाना भी जमा करना, मेरी हेल्थ भी। तो मैं उस केव से ऊपर आ चुका हूँ और मैंने जो अपने टूल्स थे उनको भी अपडेट कर लिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है फूड की, जो कि मैंने अभी तक बिल्कुल कलेक्ट नहीं की। लेकिन मुझे आगे बहुत सारे एनिमल दिख चुके हैं तो उनको मैं फटाफट से मारता हूँ, उनकी समाधि बनाता हूँ और फूड को कलेक्ट करता हूँ। खाना कलेक्ट करने के बाद मैं वहां से तो निकल गया और फिर जाते जाते तो बहुत ही टाइम हो चुका था, तो फिर रात भी होने आई थी और मुझे आगे क्या करना होगा वो तो मुझे खुद को भी नहीं पता। मुझे चलते चलते तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और यार अभी रात भी होने वाला, तो चलो फटाफट से पहले बेड बना लेता हूँ, क्योंकि वरना अगर बेड नहीं बनाया ना तो रात को मेरे को ज़ॉम्बी खत्म कर डालेंगे और हमारा गेम इधर ही खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई रात होने वाली है यार और ज़ॉम्बी से हमको बचना भी है। और फिर फटाफट निकलते, भाई क्या दिख गया भाई अपने को, भाई विलेज दिख गया, समझ रहे हो? मतलब विलेज में हमें विलेजर फ्रेंड्स मिलने वाले हैं और हैबेल तो उनका चुराऊंगा यार, मेरी जो हमेशा की आदत रही है कि हैबेल चुराना। तो फटाफट से चलते और से बात कर। मुझे इस विलेज में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और फिर देखने के बाद मालूम पड़ा कि सारे विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर मैंने बेड लगाया और सो गया। तो सुबह हो चुकी और ये सारे ज़ॉम्बी मेरे को मार रहे हैं। भाई ये ज़ॉम्बी नहीं है यार, ये विलेजर ज़ॉम्बीज है, मतलब इधर जो विलेज है ना इनमें पूरा ज़ॉम्बी ने जो कब्जा कर लिया और इन सबको विलेजर्स को विलेजर ज़ॉम्बी बना दिया है और इनका हालत तो बहुत ही बुरी है, क्योंकि इधर कुछ नहीं मिलने वाला खाली एक हैबेल के अलावा। तो मैं फटाफट से एक हैबेल ढूंढता हूं, भाई इधर की मिल जाना यार, वो रसा है तो वही रहा हैबेल। तो फटाफट से मैं हैबेल जाता हूं और हैबेल कलेक्ट करता हूं। तो सारे हैबेल्स कलेक्ट हो चुके हैं, तो फटाफट से अपन क्राफ्टिंग टेबल के अंदर ब्रेड बना लेते हैं इन सबसे। तो मैंने ब्रेड्स बना लिया और ब्रेड्स खा के फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यार सारे इधर विलेजर सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं तो हमको इधर रहने से कोई मतलब नहीं। तो फटाफट से मैं अपना बेड ले लेता हूँ और उसको हाथ में ले लेता हूँ, क्योंकि यार इधर बिल्कुल मज़ा नहीं है और विलेजर्स कोई है भी नहीं और सारे बेचारे जानवर और सब कुछ अकेले पड़ चुके। तो फटाफट से अपन अपने मिशन को आगे बढ़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद मुझे आयरन दिखते हैं, फिर मैं उस आयरन को माइन कर लेता हूँ। आयरन माइन करने के बाद मैं उसे मेल्ट भी कर लेता हूँ, फिर उससे मैं शील्ड बना लेता हूँ और उसे पहन भी लेता हूँ। फिर रात हो जाती है और मैं सो जाता हूँ। फिर सुबह हो जाती है और मैं अपना फर्नेस तोड़ता हूँ और मैंने एक आयरन का हेलमेट भी बना चुका था। तो मैं फटाफट वहां से निकलता हूँ अपने डायमंड की खोज में, जो कि मुझे एक बड़ी सी केव ढूंढनी थी। तो मैं फटाफट वहां से अपने सफर पे आगे बढ़ता हूँ। बहुत देर से चलने के बाद मैं जब इस जगह पे आता हूँ तो ये चीज देखकर मैं पूरा तरह से हैरान हो जाता हूँ।
तो भाई बहुत देर खोजने के बाद मुझे मिल चुकी है बहुत ही बड़ी केव, जिसके अंदर डायमंड तो बहुत इजीली मिल सकते, लेकिन भाई उसके लिए मेरे को पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इधर आयरन दिख रहा है, आयरन तोड़ लेता हूँ। फिर जो सारे आयरन थे उनको मैं मेल्ट कर लेता हूँ। तो मैंने आयरन से अपने लिए बूट बना लिए और मैंने वाटर बकेट भी बना लिया। तो फटाफट यहाँ से अपन जल्दी से निकलते भाई, अपने को डायमंड भी लेना है। तो फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा और ये फटाफट चलो तोड़ के निकलते यार यहाँ से। और यार उससे भाई जाने से पहले यार मेरे को लाइट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और मेरी फटती बहुत ज़्यादा। फटाफट यहाँ से निकलते, फटाफट अपने हाथ में मैं टॉर्च ले लेता हूँ। और भाई इधर खड्डे बहुत है यार, और ज़ॉम्बी पीछे से। और भाई इधर आराम से उतरना, वरना भाई इधर को इतने डैमेज मिलने वाले ना, समझ रहे हैं ना भाई। तो जल्दी से आराम से उतर, जल्दी जल्दी नीचे। भाई पीछे भूत तो नहीं है ना, धरा थप्पा मत देना भाई। इधर देख गुफा में पक्का लाइट लगा। अरे अरे ज़ॉम्बी लोग थप्पा देके जाते ऊपर यार, देखो क्या ही प्रॉब्लम है भाई मेरे से। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मार डाल, लेकिन ऐसा डराया मत कर भाई। मेरा हाथ जो हार्ट है बहुत छोटा सा यार, समझा कर मेरी जान। तो फटाफट जा रहा हूँ भाई, इधर वाटर है, क्या आवाज़ आ रही, डर लग रहा है भाई। टॉर्च वॉर्च लगा, फटाफट से जानते भाई नीचे नीचे नीचे। तो यार मैं इतनी देर से नीचे जा रहा हूँ, लेकिन यार साला अभी तक तो डायमंड का तो निशान भी नहीं मिल रहा भाई, कितना नीचे। तो गाइस जल्दी से कमेंट करो कि कितने नीचे भाई जाने से डायमंड मिलता है। तो फटाफट कमेंट करो भाई, मेरे को तो इतना पता है कि -65 या 70 के अराउंड में इतना मिलता है। तो फटाफट मैं यार टॉर्च मिल लगा था, मैं शायद अभी उतने में और थोड़ा नीचे जाना होगा मेरे को। तो भाई इधर तो कुछ नहीं मिल रहा है, दिख ही नहीं रहा भाई, नाम और निशान भी नहीं है। ओ भाई और भी गहरा है और डर भी लग रहा है भाई, डैमेज ना मिले कांटों से। मिली, मतलब मैं जो नहीं बोलता हूँ ना उसका ऑपोजिट होता है मैं। तो चलो कोई नहीं यार, फटाफट से डायमंड ढूंढते और अपना मिशन को कंप्लीट करते। तो फटाफट यार नीचे जा। अबे ज़ॉम्बी चाचा आ गए यार, तू मेरे को मारेगा यार, मेरे हार्ट भी कम है भाई। मत तू मेरे को मार ही नहीं सकता भाई। अरे मार दिया, चार आठे भाई, तू तेरे को तो मैं मार दूंगा इजीली। ये मार दिया भाई। तो चलो मैंने ज़ॉम्बी को तो मार दिया, अब अपना खाना खाने की बारी, क्योंकि अपनी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। तो मैं फटाफट से खाना खा लेता हूँ भाई। यार बहुत ही ज्यादा अंधेरा, साला कुछ दिख नहीं रहा यार, क्या करूँ। जा हनुमान चालीसा पढ़ लू, ये पढ़ लू ना, पढ़ लेता हूँ। इतना डर लग रहा है ना, मतलब अपने दिल को बहला के रखा है भाई, डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। इसीलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते भाई, कर दो। इतनी बार बोल रहा हूँ मैं वीडियो में, कितनी 3-4 बार बोल चुका हूँ भाई। डर लग रहा है, अभी भी अंधेरा देखो फुल, और मैं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरी फुल फट चुकी है भाई। टॉर्च नहीं है और टॉर्च कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा हो गया पूरा। अरे अरे भाई, अरे इधर मेरे को रुकना पड़ेगा भाई। तो यार लाइट से इधर क्राफ्टिंग टेबल रखता है यार, फटाफट से फिर थोड़े टॉर्च बना लेता हूँ। ये मैंने टॉर्च बना ली और फटाफट से यार इसको तोड़ो, तोड़ो जल्दी, टूट जा भाई, टूट जा, निकल अब फटाफट। तो चलो मैंने फटाफट से ये टॉर्च तो बना लिया और ये चलते अपन फटाफट यहाँ से भाई, निकलते यार जल्दी। और अपन को और नीचे जाना है। अरे भाई ये नीचे क्या है, स्टेडियम है क्या भाई? अरे मकड़ी स्टेडियम में क्या कर रही है भाई, क्रिकेट खेल रही है भाई? ये सकता है मेरे साथ भी खेल सकती है भाई, इससे थोड़ा दूरी रहना पड़ेगा, वरना साला मेरे पीछे पड़ गई। बोलता हूँ मैं, बोल रहा हूँ ना मैं, जो बोलता हूँ उसका उल्टा या वही हो जाता है, कोई फिक्स नहीं मेरा। तो फटाफट से पहले तो इसको मारना पड़ेगा भाई, तू रुक जा, तू मेरे को किकोरा मार पाएगी? किकोरा रुक रुक भाई, रुक रुक जा, रुक जा आराम से, 2-3 हार्ट। ओह इसने मेरे को 3 हार्ट तक बचा दिया भाई। हाँ ज़ॉम्बी से भी खतरनाक है यार ये तो यार। तो बराबर से खाना खा लेते यार, हार्ट बहुत कम है। तो गाइस बहुत देर ढूंढने के बाद भी मुझे डायमंड तो नहीं मिले, तो इसीलिए मैं स्ट्रेट माइनिंग करने वाला हूँ। तो गाइस इतनी देर माइनिंग करने के बाद भी मुझे अभी तक एक भी डायमंड नहीं मिला है, और मैं -80 के बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ और मेरे को बिल्कुल डायमंड नहीं मिला है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, फटाफट से भाई खोदते जाओ, कब तो मिलेगा। अभी चांस है कि भाई बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका तो मिल सकते भाई। बेड रॉक भी आ चुका है, समझ रहे हो, अभी सामने तो जा नहीं सकता, साइड में जाना पड़ेगा, इसको टूटेगा नहीं। तो फटाफट से इधर तोड़ दो। वो भाई पहला डायमंड मिल चुका है यार, तो फटाफट से इस पहले टाइम को लेते हैं। और यार साला नहीं आया, मतलब इन्वेंटरी फुल है, फेंको कुछ यार, ये अंडे को फेंको बस, ये फेंक दिया, ले लिया। ये पहली एडवांसमेंट अपनी पूरी हो चुकी है, अपने को डायमंड मिल चुका है। तो मैं बाकी के डायमंड जल्दी से माइन कर लेता हूँ। मैंने जितने भी अपन को डायमंड चाहिए थे वो सारे मैंने माइन कर चुका हूँ, और फटाफट से अपन ऊपर चलते हैं और फिर बाद में डायमंड आर्मर बनाते हैं। तो यार मैं यार ऊपर से फटाफट जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर साइड में से गया तो मतलब मेरी बैंड बजने वाली है। तो मैं फटाफट स्ट्रेट ऊपर वाली माइनिंग करने वाला हूँ, और फटाफट से ऐसे ब्लॉक लगाया और ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो फटाफट से आपको मिलता हूँ ऊपर चढ़ने के बाद। तो गाइस बहुत ही मेहनत करने के बाद मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, लेकिन अभी रात है यार, तो फटाफट से पहले तो बेड पे सोना पड़ेगा यार। कोई भाई पीछे से बॉम्ब फूट गया, बॉम्ब क्या मतलब क्रीपर फूट गया यार। तो फटाफट से बेड लगा के और यार सो जाते हम लोग। तो गाइस हमारा नेक्स्ट डे हो गया है और हमें सिंपल सा फटाफट से डायमंड आर्मर बना दो। फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल रख देता और फटाफट अपना डायमंड आर्मर बना लेता हूँ।
तो गाइज मैंने पूरा डायमंड आर्मर बना लिया और हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। बस मेरे को इस डायमंड आर्मर को जल्दी से भाई पहनना है, तो फटाफट से मैं इधर एक बेस्ट लोकेशन पे खड़ा हो जाता हूँ और अपना डायमंड आर्मर पहनता हूँ। तो गाइज हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट करो और फटाफट से लाइक कर लो यार वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय गाइज।